सर रिसेंटली आपने कश्मीर फाइल भी देखी थी, फिल्म कांतारा भी देखी, अवतार भी देखी, हमें जहां तक पता है। अब बड़े स्टार्स की भी फिल्म आती है बॉलीवुड में, बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्म आती है, वो क्यों नहीं देखते आप? मेरी गलती है, मैं कबूल करता हूँ कि एज एन एक्टर शुड सी एवरीथिंग। आई यूज्ड टू एंजॉय सीइंग आन, अंदाज, शहीद, कामरान की फिल्में देखता था मैं, जाकर गोरेगांव में जाके 5 आने की टिकट लेके फ्रंट रूम में बैठ के देखता था। मैं पिक्चर देख के मजा आता है मेरे को, जब बाहर निकलता हूँ। पर सर्टन ईयर्स में भी अभी कोरोना की वजह से नहीं बोल सकता हूँ, पर फिल्में देखना मेरे लिए अभी थोड़ी सी एक इवेंट हो गया है। मैं ऐसा नहीं कि वॉक करके चला जाऊँगा और किसी थिएटर में जाके भाई चुपचाप देख के आ जाऊँ, नहीं होता है। तो मेरे साथ में मेरा पूरा स्टाफ चलता है, तो मैं टिपिकल फिल्में देखता हूँ। अवतार देखी मैंने जाके, बाहुबली जाके मैंने, सब थोड़े स्टाफ को लेके गया, अभी कंतारा लेकर गया सबको मैं। तो मैं कोई बड़े प्रोडक्शन है इसलिए देखूं ऐसा नहीं है। मैं ये कि मैं सुनता हूं, पढ़ता हूं, गलती मैं अपनी मानता हूं कि आई मस्ट सी एवरीथिंग, बट आई एम नॉट अ फिल्म गोअर एनीमोर। मेरा आजकल मे बी माय कंडीशन, मे बी आई डोंट नो व्हाट, बट आई डोंट, कहीं भी मैं जाता हूं तो मेरी बहन मेरे साथ होती है। मेरा जाना इटसेल्फ कहीं भी जाऊं एक इवेंट बन जाता है, साथ में एक मेरा बॉय होता है, साथ में मेरा ये होता है। सो फिल्म देखना, यू आर राइट। मैं अब मैं बोलूं कि मैं बैठ के देख सकता हूं तो आप बोलोगे नहीं सर, आप थिएटर में देखना चाहिए आपको। सो दिस इज द रीजन आई डोंट, बट मुझे जब रिव्यू मिलती है किसी फिल्म की, जैसे अभी बिना देखे बात निकल आई थी आदि पुरुष की, तो मैं बोलने से नहीं रुकता। मैं देखी हो फिर भी चीज़ें दिख जाती हैं आपको उसके अंदर की गड़बड़ है, इसके अंदर आप क्या बनाने जा रहे हो, आप पी के बना लेते हो, आप वो बना लेते हो। तो मैं बदनाम हो गया हूँ ना फिल्म देखने के लिए, नहीं मैं बदनाम हो गया हूँ फिल्मों के बारे में अपने रिव्यू देने के लिए। बट मेरी रिव्यू में पॉजिटिविटी होती है। अगर आप हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलते हो, मैं ओपनली इनके खिलाफ गया हूँ, और मैं बॉयकॉट को फेवर इसलिए नहीं किया कि बॉयकॉट, बिना देखे फिल्म बॉयकॉट क्यों करते हो, लेकिन उनको समझाओ कि तुम्हारी फिल्म में सब कुछ होगा। ऑफकोर्स अश्लील गाना जैसे मैंने बेशरम के खिलाफ बोल गया हूँ, दिखता है वो, मतलब मैंने तो यहाँ तक लिख दिया था कि ये अगर आपको ये अश्लील नहीं लगता तो आप नेक्स्ट पॉर्न फिल्म बनाओगे और आपके पठान के रोब में आके शायद सेंसर बोर्ड वो भी पास कर देगी। शर्म आनी चाहिए आपको। आप लोग बोला सर इसमें क्या अश्लील है, एक प्रोड्यूसर मेरे से भिड़ गया एक डिस्कशन में। मैंने कहा यार तुमको अश्लील नहीं लगता तो ये तुम्हारा माइंड सेट है, पर हमारे देश के बच्चों को, हमारे देश की औरतें जो है घूंघट में जाती हैं, एंड यू आर शोइंग बिकिनी इन द होल सॉन्ग, एंड देन यू आर शोइंग, भूल जाइए कि आपने जोगिया कलर की बिकिनी क्यों पहनी। आप जूम करके बताते हो, देखो 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 ये जोगिया कलर की बीन ऊपर ऊपर करती है, और आप से अब इसके पीछे मकसद क्या है मुझे नहीं मालूम, बट मैंने अश्लील बोला मुझे मालूम है, मैं बोलूंगा अभी भी बोलूंगा। और वो गाना हट जाना चाहिए, नॉट बिकॉज इट इज जोगिया कलर। मैं औरों से अलग जाके बोला कि अश्लील है, हालांकि सब बोलते सर इससे भी बड़े बड़े आइटम सॉन्ग आए हैं, पर मैंने लगता है मुझसे, मुझे कहीं ऐसा इतना ज्यादा नहीं दिखा कि आप सबको बिकनी में नचा रहे हो। सो मुझे मत देखने दीजिए फिल्म को, मैं और भी क्रिटिसाइज करूंगा। सो लेट मी वर्क द वे आई वर्क। आप सिर्फ इतना बोल दीजिए पठान देखेंगे कि नहीं देखेंगे आप सर? देख मैं अभी इस स्टेज पर आ गया हूँ कि मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो जैसे लोग जाते हैं, कई लोग बोलते हैं, मेरे जो पावर बने हुए हैं जिनका नाम था ललित परिमो, एक बार उसने कहा था, बोला मुकेश जी मैं सुबह सुबह 9 बजे जाके शो देख के आता हूँ। क्यों? सस्ता होता है टिकट, 9 बजे की शो सस्ती होती है। ही गोज एवरी फ्राइडे सी द फिल्म। मेरे में वो नहीं है जी, मैं पठान या कोई और फिल्म तब देखूंगा जब उसकी रिपोर्ट अच्छी आ जाएगी, फिर मैं पूरे स्टाफ को लेके जाऊंगा, चलो हमारे नजदीक में थिएटर है वहां पर जाके। सर रिपोर्ट सबकी अलग अलग आती है, आप किस रिपोर्ट को फॉलो करते हैं? कोई अच्छा भी बोलते, कोई बुरा भी बोलते, आप किस तरीके से मानते हैं, किसकी बात मानते हैं आप? देखिए रिपोर्टें मोस्टली मैं देखता हूँ बनती है पॉलिटिकल एंगल को लेकर। हिंदूवादी लोग खड़े हो जाते हैं जब कोई भी चीज़ दिखती है उनको, उन्होंने फिल्म भी नहीं देखी होती, पर जरा ऐसा भी स्मोक निकल रहा है खड़े हो जाते हैं। कम्युनिस्ट लोग अपने हिसाब से रिएक्ट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टियाँ कोई एडवांटेज दिखता है उनको तो खड़े हो जाते हैं। तो रिव्यू फिल्म की कौन देता है उसकी वजह से मैं फिल्म नहीं देखता, पर रिव्यू के ऊपर मैं अपने रिव्यू जरूर देखता जब मुझे लगता है कि लोगों ने इतना किया तो मैं रिव्यू के ऊपर रिएक्ट करता हूँ, और फिर मैं पूछता हूँ मुझे बताइए कि कितना वो है। तो कहने को जाओ तो मुझे फिल्म देखनी चाहिए, बट मैं मोस्टली अपने ऑफिस में अपने कामों में बिजी रहता हूँ, और आजकल तो मैं, मेरा माध्यम भी अलग हो गया है,
यूट्यूबर, तुम्हारी तरह मैं भी यूट्यूबर बन गया हूँ, जो मुझे निकलना है, मुझे इस सोशल मीडिया में दिखने लगा है। जो मैं लोगों को बोलता हूँ मत घुसो इसमें, वर्चुअल मीडियम है, बट सॉरी टू से मैं भी कभी कभी सोच में बैठता हूँ कि मैं वेट करता हूँ मेरी वीडियो में कितने व्यूज आए, नहीं देखना चाहिए मुझे, देख छोड़ो हटो। कोशिश कर रहा हूँ मैं कि मैं, बिकॉज द मोर यू गो इन टू द सोशल वर्ल्ड द लेस यू आर इन द रियल वर्ल्ड। आपके अपने हाथ पाँव आस पास के काम, मैं सोचता हूँ मैंने दिन में कुछ नहीं किया, मैंने इसमें गया हूँ, अभी भी 3 वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो इट टेक्स टाइम। थैंक यू सो मच। ओके।